अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी रीड द पोएम द लेंस ऑफ आवर्स। कल हमने इसके तीन स्टंजे पढ़े थे, आज हम इसका चौथा स्टंजा पढ़ रहे हैं। कहता है, स्प्रिंग राइवल्स एंड स्ट्रीम रिवलेट्स एंड रोरिंग वाटरफॉल आर थ्रिल्ड विद द जॉय ऑफ स्प्रिंग। ए फ्लावर गार्डन इज दिस लेंस ऑफ आवर। तो कहता है, स्प्रिंग राइवर्स एंड स्ट्रीम, स्प्रिंग्स बोलता है चश्मे, दरिया और नदियां, रिवलेट्स एंड रोरिंग वाटरफॉल। रिवलेट्स किसको कहते हैं? हो गया नदी, छोटी नदी, नाले और गिरते हुए झरने, आर थ्रिल्ड विद जॉय ऑफ स्प्रिंग, पर जोश में बहार की खुशी में। ए फ्लावर गार्डन इज दिस लैंड ऑफ आवर्स। कि ये जो मेरा मुल्क है, फूलों का बाग है, ये हमारा मुल्क। अराउंड रोज़ेस द बुलबुल टर्न्स इन लव, एंड द बम बम्बल बी सीक्स द नेरिसस। कश्मीरीज फील ड्रंक इन एक्साइटमेंट। ए फ्लावर गार्डन इज दिस लैंड ऑफ आवर। कहते हैं कि गुलाबों के इर्द-गिर्द घूमती हैं कौन? बुलबुलें। बुलबुलें मोहब्बत से, किससे? टर्न इन लव हो गया, मोहब्बत से। और ढूंढता है बंवर नरगिस के फूलों से, किससे? नरगिस के फूलों से। कश्मीरीज फील ड्रंक इन एक्साइटमेंट, करते हैं महसूस कश्मीरी जैसे ड्रंक हो गया, जैसे नशे में। ये फ्लावर गार्डन इज दिस लैंड ऑफ आवर। जो ये मेरा हमारा मुल्क है, ये क्या है? फूलों का बाग है। महजूर दिस होम लैंड ऑफ आवर्स इज ए चार्मिंग गार्डन इंडीड, लेट अस शावर आवर लाइफ ऑन इट। ए फ्लावर गार्डन इज दिस लैंड ऑफ आवर। कहते हैं महजूर महजूर दिस होम लैंड ऑफ आवर्स हो गया, ये सरजमीन हमारी है। इज ए चार्मिंग गार्डन इंडीड, कि ये बहुत ही दिलकश बाग है, सच में इंडीड हो गया, सचमुच में। लेट अस शोवर आवर लव ऑन इट, आओ हम क्या करें, आवर लव ऑन इट हो गया, अपनी मोहब्बत इस पे शावर हो गया, बरसाएं इसके ऊपर। ए फ्लावर गार्डन इज दिस लैंड ऑफ आवर। ये जो फूलों का बाग है, ये क्या है? ये मुल्क है हमारा। तो ये हमारा चैप्टर हो गया पूरा। इसको शायर ने अपने मुल्क को मौसम बहार की तरह भी बताया, शालीमार के जो फूल हैं उसकी तरह भी, नदी नाली नालियां नदियां दरिया नाले और जो चश्मे हैं उनकी भी इसी तरह, उनके बारे में भी बताया कि ऐसा है मेरा मतलब बुलबुल की मोहब्बत के का भी उसने इसमें जिक्र किया, और नरगिस के फूलों का भी इसको इसके साथ तरजीह दी। तो उसने इस तरह अपने मुल्क की क्या की, तारीफ की। कल हम इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन करेंगे।